श्रीमती कहकशा परवीन। बहुत बहुत शुक्रिया उपसभापति महोदय। सबसे पहले मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। किसी भी व्यापार के लिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी व्यापार की सफलता उसके विश्वास पर टिकी होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि विश्वास पूंजी होती है किसी भी बिजनेस के लिए। इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि उपभोक्ताओं के को पूरा पूरा संरक्षण मिल रहा है। और जो डर की स्थिति थी, वो डर की स्थिति भी खत्म हो रही है। और ये इन्होंने जो ये किया है कि नए विधेयक में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार की स्थापना की है, और जिसका मुख्यालय दिल्ली ही होगा। विवादों के निपटाने के लिए जिला स्तर से लेकर राज्य और राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक इन्होंने आयोग का गठन किया है। पहले ये फोरम हुआ करता था, अब ये आयोग के नाम से जाना जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम 1986 में भी कानून बने थे, लेकिन आज इस कानून की तब्दीली की सबसे बड़ी वजह मुझे ये लगती है कि हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल भारत हमारा है, उसके तहत इसको जोड़ा गया है। जो भी शिकायत करता वो ऑनलाइन शिकायत करेंगे, उनकी सुनवाई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की जाएगी, और उपभोक्ता कहीं पर भी शिकायत कर सकते हैं। और इसमें प्रोविज़न जो किया गया है वो जुर्माने का भी किया गया है, कि इसमें जो है पावर भी दिया गया है कि 10 जिला में अगर सुनवाई होगी तो 1 करोड़ रुपए का तक का जुर्माना लगा सकता है। राज्य अगर सुनवाई करे तो 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का ही जुर्माना होगा, और 10 करोड़ से अधिक वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा। और इसमें जो सेलिब्रिटीज हैं उनके द्वारा भी यह इसमें इनको भी दोषी माना गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी प्रोडक्ट से अगर किसी की जान का और माल का नुकसान होता है तो इसकी भरपाई भी की जाएगी। और एक और चीज़ अच्छी है इसमें कि झूठे मुकदमे करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। मैं माननीय मंत्री जी को ये बताना चाहती हूँ कि आजकल क्या है कि हर चीज़ ऑनलाइन मिल रहा है, और लोग अपने समय बचाने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, इस पर जोर दिए हैं। ये भी हो रहा है मार्केटिंग में कि ऑनलाइन जो मंगाई हुई जो चीज़ें हैं उसमें और जो बाज़ार में जो चीज़ें मिल रही हैं उसके मूल्य में फ़र्क होता है। कभी कभी लोगों की ये धारणा बन गई है कि हम जो ऑनलाइन जो वस्तु मंगाते हैं उसकी कीमत कम होती है, और जो मार्केट में जो वस्तु होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। ये लोगों के अंदर भ्रम, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में उसी वस्तु का सामान कम होता है, ऑनलाइन में कभी कभी लोगों को गलत चीज़ें भी मिल जाती हैं, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, ऑनलाइन सामान मंगाने में मैं भी एक बार फंस चुकी। मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है, मैंने टीवी पर जब ऐड देखा, ऐड देखने के बाद डायबिटीज़ की दवा मैंने मंगवाई, और 1 महीने की दवा मैंने मंगवाई, उनको उस दवा को उन्होंने लिया, इससे उनको कितना फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसका आकलन हम लोग कर नहीं पाए। फिर हम लोगों ने फैसला किया कि हम दूसरी मर्तबा इस दवा को हम फिर मंगाते हैं, लेकिन उस कंपनी वाले ने वो मुझे डायबिटीज़ की दवा ना देके किसी अन्य मर्ज़ की दवा दे दिया, और कहा कि मैडम इसका इस्तेमाल कर ले। मैंने कहा मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं कैसे इस्तेमाल करूँ और क्यों करूँ। लेकिन वक्त की कमी के कारण मैंने उपभोक्ता फोरम में केस नहीं किया। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहले भी किसी सांसद ने प्रश्न उठाया था, मैं माननीय मंत्री जी से बताना चाहूँगी कि 1986 में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बना था, लेकिन एक्ट बने थे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं यानी लोगों को जानकारी नहीं थी, जिसका वो लाभ नहीं उठा पाए। 1.5 करोड़ लोगों की शिकायत जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक दर्ज थी, लेकिन जागो ग्राहक जागो का लाभ सिर्फ क्या हुआ, 2 से 3% ही लोग इसका लाभ ले पाए। तो मैं माननीय मंत्री जी से बोलना चाहूँगी कि ये कानून बहुत अच्छा, आपने बिल बहुत अच्छा लाया है, लेकिन इस बिल की कामयाबी तभी होगी जब लोग इसका फायदा उठाएं, और मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद काकेसा जी।